गाइस अगर आप सब कुछ करके हार गए हैं, जितना भी प्रयास होता है वो सब कुछ आप कर चुके हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जिसकी शादी कहीं नहीं होती है उसकी शादी बिहार में ज़रूर हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू मैरी अ बिहारी गर्ल, बिहार की लड़की से शादी कैसे करें। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं खुद भी प्रॉपर यूपी का हूँ और मैं अपनी यूपी में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है, तो लास्ट में जब वो सारा प्रयास कर लेते हैं उनकी कहीं पर भी शादी नहीं होती है, तो लास्ट ऑप्शन के तौर पर मैंने देखा है हमेशा अपने यूपी में कि लोग बिहार की लड़कियों से फिर शादी करते हैं। और बिहार की लड़की से जब कोई शादी करने के लिए तैयार होता है तो फटाफट उसकी शादी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बिहार में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बिहार में रोजगार की बहुत कमी है। इसलिए ज़्यादातर जो बिहार की लड़कियां हैं या लड़कियों के माँ बाप जो हैं वो अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर पाते, वो बहुत गरीब हैं। बिहार में ज़्यादातर लोग जो है गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं बिहार में, तो इसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। जब कोई बंदा बाहर से, यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कहीं से और से आता है और चाहता है कि वो बिहार में शादी कर ले, तो अगर वो किसी भी एक बिहारी पर्सन को बोल दे कि मैं बिहार में शादी करना चाहता हूँ, मैं कुछ पैसे भी खर्च कर दूंगा, तो वो बंदा आपके लिए बिहार की लड़की, एकदम गरीब लड़की जो खुद भी बहुत परेशान है, जिसके माता पिता, वैसी लड़की ढूंढकर आपके सामने ला देगा और आपकी शादी करवा देगा। बिहार के लोग ज्यादा ये भी नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बिहार के लोग बस ये देखते हैं कि आप साधारण हो, दिखने में ठीक ठाक हो और इतना कमा लेते हो कि अच्छे से खा लो पहन लो, बस इतना ही देखते हैं। बहुत ज्यादा उनकी ख्वाहिश नहीं होती है क्योंकि वो खुद भी बहुत गरीब होते हैं। तो इसलिए बिहारी जो है जहां देखते हैं कि कोई अगर यूपी का है, नॉर्मली मैं अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, कोई अगर यूपी का या दिल्ली का है, ठीक ठाक काम कर रहा है, नॉर्मल है, तो वो अपनी लड़की की शादी उससे कर देते हैं ये सोचकर कि बिहार में तो शादी होगी नहीं, क्योंकि बिहार में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है। बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर अपनी लड़की की शादी करने जाएगा तो उसको कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे शादियाँ नहीं हो पाती। तो लोग बिहार के बाहर अपनी लड़कियों की, जो गरीब लोग हैं वहाँ के, उनको पता है कि बिहार में तो बिना दहेज की शादी नहीं होती है, तो इसलिए वो बाहर के लोगों से अपनी लड़कियों की शादी करते हैं। तो अगर आपकी शादी भी कहीं नहीं हो पा रही है, सारा कुछ प्रयास आपने कर लिया है, तो आपको एक बार बिहार में जरूर ट्राई करना चाहिए। और इसका सबसे जो सही तरीका है कि बिहार की लड़कियों कैसे आप फाइंड आउट करें अगर आप बिहार के नहीं हैं, तो उसका सबसे जो सही तरीका यही है कि बिहारी हर जगह मौजूद हैं। बिहारी महाराष्ट्र में भी हैं, बिहारी राजस्थान में भी हैं, बंगाल में भी हैं, यूपी में भी हैं, पूरा इंडिया में बिहारी फैले हुए हैं। बिहारी आपको हर स्टेट में, हर शहर में आपको मिलेगा। और नॉर्मली छोटे मोटे काम करते हैं, नॉर्मली जो बिहारी लोग होते हैं लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वर्कर होते हैं, पेंटर होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले ये लोग होते हैं, राजगीर मिस्त्री होते हैं, ये लोग होते हैं। तो अगर आपके नॉलेज में, आप कहीं से भी हो पूरे इंडिया में, लेकिन आपके नॉलेज में ज़रूर कुछ लोग बिहारी होंगे, तो ऐसे जो लोग आपके नॉलेज में हैं उनसे आप मिलिए, उनको अपना प्रॉब्लम बताइए और बोलिए कि मैं जो है सारा कुछ प्रयास कर लिया है और मेरी शादी नहीं हो पा रही है, तो अगर आपके नज़र में कोई बिहार की गरीब लड़की ऐसी हो तो आप मेरी शादी करवा दो, मैं आपकी भी सेवा पानी कर दूंगा, इसी तरीके से कि मैं आपकी भी सेवा कर दूंगा, आपको भी जो कुछ चाहिए मैं आपको दे दूंगा और आप ऐसा कर दो। तो जहां सामने वाला, क्योंकि बिहारी बहुत गरीब होते हैं, तो वो 2,000-5,000 के लिए भी वो तुरंत जो है तैयार हो जाते हैं, तो जैसे ही आप उनको 2,000-4,000-5,000 देने की पेशकश रखेंगे तो वो तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर देगा कि कौन कैसा है, और उसके बाद वो किसी न किसी को अपने गाँव से या रिलेटेड बिहार के ढूंढ कर, और वो सामने वाला भी अगर वैसा रहेगा कि उसको भी किसी लड़के की जरूरत है, ऐसे माता पिता जिनको अपनी लड़की के लिए लड़की की जरूरत है, उनको वो ढूंढ कर उसके नॉलेज में रहेगा, वो आपको बता देगा, मिला देगा, और फाइनली आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि बिहारी लोग ज़्यादा जो है इंक्वायरी वगैरह नहीं करते हैं, ज़्यादा ये नहीं देखते कि क्या है कैसे है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बिहार में उन्होंने शादियां की और बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक जनरल साधारण आदमी है, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, और अगर उनकी शादी नहीं होती है तो बिहार में, जिसकी मैंने हमेशा देखा है कि जिसकी कहीं शादी नहीं होती है उसकी बिहार में जरूर शादी हो जाती है। तो आपके कॉन्टेक्ट में अगर कुछ बिहारी लोग हैं तो उनसे आप अपनी बात को रखिए, और पक्का मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप थोड़ा बहुत लालच देंगे, 2,000-5,000 का लालच देंगे, सामने वाला बंदा जरूर आपकी हेल्प करेगा, जरूर आपकी मदद करेगा और आपके लिए एक बिहारी लड़की ढूंढकर ला देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।